आजा कौन गा? इसको फेंकता मैं तेरे दूर, और अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, हमें एक आखिरी मारना पड़ेगा। गॉडज़िला बन चुके हैं भाई हम लोग, GTA 5 के अंदर गॉडज़िला बन चुका है माइकल। और वीडियो देखने से पहले अभी के अभी तुम लोग करो सब्सक्राइब। और मैं तुम लोग को बताता चलूं कि भाई इससे जो पिछला एपिसोड था उसके अंदर बताया गया है कि माइकल किस तरह से गॉडज़िला बना है। मुझे एक पूरा का पूरा सिरम तूने तैयार करके देना, अब जहाँ से मर्जी केमिकल लेके आ, जहाँ से मर्जी मेडिसिन लेके आ, तेरी मेरा खोपड़ी उड़ा देनी है, इधर बंगले में किसी को नजर भी नहीं आनी। तो ये वीडियो देखने के बाद जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो जाके देखना, या शायद पहले वो देख लो। सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है, 50,000 लाइक्स कम से कम इस वीडियो पे मुझे चाहिए, और 5,000 कमेंट्स भी। कमेंट कर दो कुछ भी। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि भाई माइकल गॉडज़िला बन चुके हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो बहुत ही आला किस्म की इसकी स्पाइन लग रही है, ब्लू कलर से चमकती हुई। और अब हम लोग जो है ना इस वक्त कॉन्ग का इंतजार करें, जैसा कि तुम लोगों को लास्ट एपिसोड की वजह से तुम लोगों को पता है कि कॉन्ग जो है लॉस सैंटोस छोड़ के चला गया था। हम लोगों को जो है उसका इंतजार करना है। जब तक कॉन्ग नहीं आता हम लोग एक काम करते हैं, गॉडज़िला को एयरपोर्ट वाले एरिया पे लेके चलते हैं, ताकि जहाँ पे थोड़ी खुली जगह होगी वहाँ पे हम लोग अपनी एबिलिटीज जो है ट्राई कर सकेंगे कि क्या क्या कर सकता है गॉडज़िला। इसकी स्पीड देखो भागने की, शेप देखो, इसका साइज देखो, इसको ये हम लोग कॉन्ग को बहुत आराम से मार देंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। कॉन्ग बांदरी का बच्चा कुछ भी नहीं है हमारे सामने, उसकी डुई में हम लोग अपनी पूंछ दे देंगे, ये देखो इतनी बड़ी है भाई। ओए एयरपोर्ट वाले एरिया ही चलते हैं, क्योंकि कॉन्ग ने जो है ना आना पानी से ही है, ठीक है, और वो सीधा एयरपोर्ट वाली जगह से ही आएगा। ओके हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर है ना, इसको पारते हैं। रुको भाई साहब, ये एक प्लेन चल रहा है, इसको फाड़ते हैं। ओ भाई साहब, अरे मुंह से क्या कामे हमें मारा है भाई इसने। अरे भाई देखो पूरा एयरपोर्ट चला दिया हमने। ओ भाई साहब, कॉन्ग की तो हम लोग गैंग बैंग कर देंगे भाई कॉन्ग के अंदर। ओए, बस आने दो उसको, एक बार मौसम खराब होना शुरू होगा ना इसका मतलब है कि कॉन्ग एंट्री मारने लगे लॉस सैंटोस के अंदर, और हम लोग रेडी होंगे उसकी डुई मारने में। तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मौसम थोड़ा सा जो है डाउन हो रहा है, और कॉन्ग कभी भी एंट्री मार सकता है, एक प्लेन भी आ रहा है सामने से, लेकिन अब हम लोगों को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई सिविलियन से जितना हम लोग दूर रहें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। उधर मैं कर रहा हूँ इंतज़ार कॉन्ग का, आएगा यहीं से गया था लॉस सैंटोस छोड़ के, तो आएगा भी यहीं से। कॉन्ग आ गया, स्विम करके आ रहे। भागना पड़ेगा। ओए लैंड हो गया, ओए मार रहे हरामी। एक सेकेंड, ओए बस पकड़ी, हमें मारने लगा था कुत्ता, कुत्ते बंदर। अबे मारी जा रहा है यार, अबे गॉडज़िला कुछ करना। ओए उठा के पानी में फेंक दिया वापस, जा तू उधर ही रह, टूटिया। एक सेकंड, हम लोग को थोड़ा एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। किधर है कॉन्ग इस वक्त? वो रहा पानी के अंदर ही है। आ गया। ओए पड़ गई, ओए अबे बस से उठा के मार रहे हमें कुत्ता, हरामी। ओए मारा हमने इसको। अच्छा आई थिंक अभी थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ है, हम लोग उतनी देर तक थोड़ा सा दूर चले जाते हैं यहाँ से। हम लोगों को दस्ती भागना पड़ेगा भाई, हम लोग ना किसी पहाड़ वाले एरिया पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमें फाइट में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए जो है ना किंग कॉन्ग को हम लोग लटा के आ गए हैं, लेकिन वो वापस आएगा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। अभी बेहोश हुआ है, उसको दर्द वगैरह हो रही है, हम लोगों ने उसको जो है ड्रैगन ब्रेथ मारी है और 3-4 मुक्के मारे हैं, तो उसकी फटके हाथ में आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया। वो जो सामने पहाड़ है ना, हम लोगों को थोड़ा उस तरफ जाना पड़ेगा। वो आ गया, पीछे भाग रहे हमारे। ओए भागो, ओ भागी रहा, ओए एक सेकंड, हमारे पीछे भाग रहे। एक सेकंड, हम लोग आई थिंक काफी हद तक बेहतर जगह पे पहुंच गए हैं, इसके ऊपर हम लोग इसकी गांड मारेंगे। रुको, काफी हद तक चंडे मार लिए हम लोगों ने उसको। आ, आ,
मारने आ रहा है। ओए जंप मार रहा है, जंप मार रहा है, जंप मार के किधर गया ये? इसने जंप मार लिया काफी दूर कहीं पे। ओए होए होए वो देखो आ गया वो रहा। अबे हमें मार रहे। जाना पड़ेगा उसके पास, जाना पड़ेगा उसके पास, काफी हद तक डैमेज है यार। ये एक बार मर जाए। अबे यार ये जो बस उठा के जो हमें मार रहा है ना, खुद के मुक्कों में जान ही नहीं है इस बांदरी के। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। इसको मारने के लिए हम लोगों को ना एक फाइनल फिनिशर मूव मारना पड़ेगा। अभी हमारा रिचार्ज हो रहा है, फिनिशर मूव हमारा रिचार्ज हो रहा है, जो हम लोग इसको फाइनल मारेंगे। हमें उठा के फेंक रही है, बहुत आरामी है, बहुत आरामी है, बहुत आरामी है। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट जगह पे चलते हैं, आर्मी बेस चलते हैं हम लोग, ताकि गॉडज़िला के ऊपर जो है ना थोड़ी बहुत मिसाइल्स भी पड़े किंग कॉन्ग के ऊपर, किंग कॉन्ग के ऊपर। हमारी ये पावर रिचार्ज हो रही है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, फील कर पा रहे हो। ये पीछे पड़ा हुआ है हमारी, ये पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। हम लोगों को ना थोड़ा उस तरफ उस तरफ जाना है। अभी हम लोग लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जितने मुक्के मारते हैं ना, इसकी रिचार्ज पावर जो है ना कम हो जाती है। अब हम लोग जितना भागेंगे ना, जितना हम लोग अपनी पावर नहीं यूज़ करेंगे, वो हमारी रिचार्ज होती रहेगी। तो हम लोगों को जो है ना कॉन्ग से जितना दूर हम लोग को जाना है, वो हम लोगों को जाना है। आर्मी बेस आ गया सामने, बस वहाँ पे पहुँच जाओ, एक बार, एक बार पहुँच जाओ बस वहाँ पे। उठा के फेंक रहा हूँ उसको मैं। अच्छा, हम लोगों को ज्यादा ब्रेथ नहीं यूज करनी, ज्यादा ड्रैगन ब्रेथ नहीं यूज करनी, क्योंकि हम लोगों को फाइनल फाइनल अटैक के लिए जो है ना अपनी पावर बचानी है। अबे ये मारी जा रहा है यार, एक सेकंड। चल फिलहाल के लिए लेट गया थोड़ा सा। ड्रैगन ब्रेथ नहीं मार रहे हम लोग, उसके पास ही जा रहे हैं। ओए उसने भी हमें फेंक दिया। थोड़ी सी ड्रैगन ब्रेथ मार देते हैं हम लोग, इसको उठा के फेंकते हैं पहले। ओए उसने हमारी ड्रैगन ब्रेथ कैंसिल कर दी। दोबारा से हम लोगों ने इसको लटा दिए। अब जब तक ये लेटा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा पहाड़ों वाली साइड पे जाते हैं। पहाड़ों वाली साइड पे जाके हम लोग अपने फाइनल मूव जो है इस पे मारेंगे। फाइनल फिनिशर मारना पड़ेगा भाई हम लोगों को। उधर माउंट चिलर की तरफ जाना पड़ेगा, माउंट चिलर की तरफ जाना पड़ेगा। वो इस वक्त हमारे लिए सेफ जगह है, जहाँ पे हम लोग अपना फाइनल एक्सप्लोजन यूज कर सकते हैं। यार ये पुलिस जो पीछे पड़ी हुई ना, ये तंग करेगी अब। लेकिन खैर है, फाइनल एक्सप्लोजन में ये सारे मारे जाएंगे भाई, ये सारे मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। चलो पहुंच चुके हैं इधर। अब हम लोग जो है ना कॉन्ग को आवाज देते हैं, ताकि वो बांदरी का बच्चा इधर आए। आजा कॉन्ग। आ गया, आ गया। अबे उठाते ही उस आते ही हमें मार। ओए हम लोग पूरे माउंट चिल्लर से गिर गए हैं भाई। ओ हेलो, किधर गया? ओ कॉन्गरी दिया बच्चा। ओए आ गया कंजरी। अबे कुट्टी जा रहा है यार कॉन्ग। अरे बिस्ती करा रहा है यार। यार हमारा ना पावर भी जाया हुई है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, उसकी स्पाइन में पहले ब्लू ब्लू सा हुआ करता था, अब वो नहीं है। हमारी पावर उस तरह से आ नहीं रही इस वक्त। कुत्तिया किधर है, किधर है बांदरी का बच्चा? अरे गिर गया। किधर गया, किधर जा रहा है? गिरी जा रहा है, वो नीचे चला गया। अबे उठा के फेंक दिया कुत्ते ने, गुस्सा चढ़ गया उसको, गुस्सा चढ़ गया। ओए अबे कुत्ते दफा दो। उधर ही रह कुत्ते।
फाइनल पावर हमारी चार्ज हो गई है बॉयज, हम लोग किंग कॉन्ग की डुई फाड़ने के लिए रेडी हो गए। यार वो फाइनल पावर जो है ना चार्ज करने में बहुत टाइम लग रहा है, एक सेकंड इसको फेंकता हूं मैं पहले दूर, और अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, बस ये काम अब होगा, ये अब हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, पावर चार्ज हो जा। किधर है ये कॉन्गरी? अच्छा वो उधर खड़ा है। Fuck yes! Shoddy! Oh shit! हमें एक आखिरी मारना पड़ेगा। मर गया। मर गया। काम हो गया हमारा, कौन को हम लोग मार चुके हैं भाई। किधर जा रहे बमड़े? शुक्र है गॉडज़िला के सिरम का असर खत्म होने से पहले पहले जो है हम लोगों ने कॉन्ग को मार दिया, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हैं कॉन्ग की हम लोगों ने मार चाहते आई, अपने घर वापस चलते हैं इसी हालत में। कोई भी नहीं हमें रोक सकता भाई, कोई भी नहीं हमें रोक सकता भाई। पहुंच चुके हैं हम लोग घर वापस, हमारी गाड़ियां सही सलामत है ना, एक्सप्लोजन की वजह से कहीं वो तो नहीं फट फुट गई? हाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मौसम भी काफी हद तक अच्छा हो गया है, और अब हम लोग बस अपने सिरम का उतरने का इंतजार करते हैं। हम लोग को माइकल वापस बनना है, अभी थोड़ी देर में ये बन जाएगा वापस। एक सेकेंड हम लोग अपनी गाड़ियां एक बार चेक मार लेते हैं, हम लोगों ने जो एक्सप्लोजन मारा है उसकी वजह से कि हमारी गाड़ियां तो नहीं फट गई? अरे नहीं नहीं बिल्कुल सही सलामत और ब्यूटीफुल किस्म की खड़ी हुई है हमारी। तो बॉयज कॉन्ग मर चुका है, अब कोई पंगा नहीं होगा लॉस सेंटर्स के अंदर। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि अब हम लोगों को क्या बकचोदी करनी चाहिए, अहमद से जाके मिले, अपने बेटे से जाके मिले, अपनी बीवी से जाके, बीवी तो है ही नहीं पाए, तुम लोग बताओगे नीचे कमेंट में। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करने अभी के अभी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं बहुत थक गया हूँ, हम लोगों को अभी सोना है और कुछ ड्रग्स वगैरह लेने हैं जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर से सारे का सारा मेडिसिन का असर उतर जाएगा। अभी तो मैं चुप करके जो है ना इधर सोफे पे लंबे पा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग भी जाके आराम करो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके बाय बाय।